नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे वो आप लोगों ने थंबनेल पे तो ऑलरेडी देख ही लिया है, और हमने कैंसिलेशन को लेकर के और क्या बोलते हैं एचडीएम ऑर्डर को लेकर के एक सेक्रेटरी से कॉल पे बात की थी। तो उन सेक्रेटरी जो भी बताया है वो सारा कुछ आपको सुनाएंगे लाइव कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं और ए टू जेड चीज़ें मैंने उनसे सुनी और अपनी भी बात रखी। हालांकि उन्होंने मेरी बात ज़्यादा सुनी नहीं, बट वो अपना ही कहते रहे। तो आप लोग जब इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आप अपने एचडीएम ऑर्डर को भूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके अकॉर्डिंग। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कमेंट ऐसे आए थे जिनको मैंने हालांकि अभी स्क्रीनशॉट उनका लिया नहीं है, इन दो कमेंट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि आपसे जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं आप पैसों को लेकर कह शुरू कर देते हैं। तो बता दें क्या है, देखिए उनमें वही सारा लफड़ा है मार्कशीट कैंसिलेशन वाला। तो हम उनको सिर्फ बता रहे हैं कि भैया कोई ऑप्शन नहीं, और ना ही कभी हम किसी सब्सक्राइबर को वीडियो में लिए हैं। हम लिखित में दे देंगे, कम से कम 30 से 35 लोगों का सही हो चुका है लिमिट क्रॉस, लेकिन कभी भी हम किसी को ना वीडियो में लाए हैं, बस रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाए। फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाना बंद कर दिया है। और यहाँ तक एक बार ये लखनऊ 4 महीने पहले आ चुके हैं, और रतन स्क्वायर से लेकर के हम पोस्ट ऑफिस तक इनका सारा प्रोसेस किए थे, जैसे जैसे होता है पीडीएफ में फाइलें बनवा के मेल करना पोस्ट करना सब कर चुके थे। इनको कॉल वहाँ से जा चुकी थी कि आपका निरस्त्रीकरण होना है तभी हो पाएगा, तो इस वजह से इनका ये कहना। दूसरी कह रहे थे आपको भी पैसे की लत लग गई। देखिए, पैसे की लत तो हर किसी को रहती है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये आपको बताएं, अगर हम कमेंट का रिप्लाई ना दें और कमेंट जो डीपी में माई नंबर वाले हैं वो सबको लूट लें, आज भी जितने मैं भी वीडियो बनाता हूँ सब में डीपी वालों को मैं ज़रूर बताता हूँ यहाँ पे आप लोग पैसे ना दें, देख अपने रिस्क पे सारा काम करें। लेकिन आज ही कल से लेकर आज तक मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें किसी भी कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं दिया इसी वजह से। फिर क्या हो, वहाँ पे उस डीपी वाले बंदे ने काफ़ी सारे कमेंट किए, वो देखे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये भैया ने 6000 समथिंग ट्रांजेक्शन दिखाया है, कह रहे थे 6000 भेज चुके हैं, और फिर हमसे बात करके बहुत दुखी थे, कह रहे थे। तो हम बता रहे हैं भैया, हम जब नंबर देंगे तो हमारा ऐसा प्रोफाइल बन के आएगा, उनसे बच के रहो। हर एक वीडियो में बताते हैं, आप लोग पूरा देखोगे नहीं तो पैसे तो जाएंगे ही, स्किप करोगे चीज़ें मिस होंगी, नुकसान आपका होगा। हमारा काम है बताना, हम अपना प्रॉपर आपको बताते रहते हैं, हम यहाँ से रियल जानकारी देते हैं। आप अगर टाइम और पैसे बचाना चाहते हैं तो ज़रूर देखेंगे। यहाँ 1% अगर पकड़ लीजिए कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या भ्रामक, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये चीज़ गलत कही। लेकिन कभी भी मैं जब तक प्रूफ नहीं हो जाता वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता। फिर से आधार में अपडेट आई है 25 अप्रैल 2024, अभी बीते वही 10-15 दिन के, वही उस अपडेट को मैं यहाँ पे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरे पास सबूत अभी नहीं है, और सबूत आएगा जब तभी मैं यहाँ आपको लाइव दिखा के ही यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं सबूत के साथ वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। क्योंकि झूठ तो बहुत जल्दी यहाँ पे लोग मान लेंगे, लेकिन जो सच बोलोगे तो उसको साबित करना पड़ेगा। इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में जो 25 अप्रैल को अपडेट आई है, डेट ऑफ बर्थ को ही लेकर आई है, तो उसे मैं अगले वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं उन सेक्रेटरी की एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, और कुछ चीज़ें हैं वो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो भी मेरे पास कॉल करता है तो यही बस जैसे कॉल उठती है तो कहता है DOB मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर सब लोगों का वही प्रॉब्लम है, फेक बर्थ मार्कशीट और दुनिया भर के वही सारे, इतना स्ट्रिक्ट काम है कि आपको बता दिया जाए तो जान लेंगे कि हाँ ये लिमिट को सॉल्व नहीं करवा पाओगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, जब हम कोई बात कहेंगे तो जो बात हम कहते हैं वो एकदम रियल होती है, उसके मैं अपोजिट जा नहीं सकता, और एक बात को मैं 100 बार नहीं कह सकता। ये भी मेरे में कुछ आदतें हैं जो कि मैं बता देता हूँ। तो लिमिट कॉस में अगर आपने मार्कशीट बर्थ कैंसिलेशन वाला नहीं करवा पा रहे हो तो भूल जाओ लिमिट कॉस सॉल्व करना, और देख लो अपने हिसाब, हम नहीं कह सकते, आप रीजनल ऑफिस आ सकते हो, वहाँ आपको बताया जाएगा। और हर एक वीडियो में यह भी बताते हैं कि रतन स्क्वायर में अगर आ रहे हो आप तो डिजिटल एचडीएम ऑर्डर लेकर ही आना, नहीं तो अपडेट हो नहीं पाएगा। अब देखिए, अपडेट में क्या है, पहले सेल्फ डिक्लेरेशन बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करते थे, जब आपको अपडेट कराया जाता तो सामने बिठाल के, जब भी कभी आधार सेंटर पे जाते थे तो यहाँ आते थे आप लोग रतन स्क्वायर, तो बिठाल के आपका बढ़िया से स्कैन किया जाते थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अब RCCMS पोर्टल वाली भी एचडीएम ऑर्डर भी स्कैन होने लगी है, तो काफ़ी सारे वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं, आप वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर भी यहाँ दौड़ के आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। हम अपना काम तो वैसे भी करते जाएंगे, जो भी है आप लोग सुनेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं सुनेंगे तो आपका हमेशा के लिए नुकसान ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्कैन होने लगी हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, बर्थ बने पड़े हैं, एचडीएम ऑर्डर भी बहुत मुश्किल है। तो जहाँ भी आप डायरेक्ट कराते हैं वहाँ चीज़ें जानना है आपको क्या, कि उनसे खुद सारी चीज़ें पूछ लीजिएगा कि कैसे क्या सिस्टम है, कितना टाइम लगेगा, फिक्स टाइमिंग पूछिएगा। और ज़्यादा टाइम अगर लगे तो समझ लो वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपका मेल के प्रोसेस से पैसे बचा रहे हैं, टोटल सोच रहे हैं ऐसे हो जाएगा। तो पहले बता दीजिएगा हमारे में बर्थ मार्कशीट ऐड है, और ये सब मेल वाला प्रोसेस मत करिएगा, ये डायरेक्ट करा रहे हो तभी यहाँ पे आप करिएगा, क्योंकि कैंसिलेशन का रिप्लाई आता है जब भी मेल और पोस्ट करते हैं। और अगर आपका सब कुछ सही है, पूरा कुछ लगा नहीं है, और लगा भी है
तो कैंसिलेशन भी करा लिए हैं, तो मेल और पोस्ट कर दीजिए जहां रहते हो वहां से अपडेट करा के, और 2-2.5 महीने वेट करिए और रीजनल ऑफिस आइए। और रीजनल ऑफिस में अब लोग अंदर सबको बुलाने लगे हैं और सिस्टम से वो अपडेट करना शुरू कर दिए हैं। तो एक आपके लिए राहत भरी ये खबर जरूर है कि अब अगर सब कुछ प्रोसेस करते हो, मेल और पोस्ट से नहीं हो रहा, तो यहां आके आप सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए मेल और पोस्ट इस वजह से, उनके रूल और रेगुलेशन है, मेल और पोस्ट से जब नहीं होता है तो क्लियर तो करेंगे ही, क्योंकि भैया करेंगे नहीं तो ये ऑफिस इतना बड़ा चला के फिर मतलब ही क्या, अगर यहाँ पे अगर लोगों को सर्विस ना दे सको। तो इस वजह से कोशिश करिए सब करके तभी आइएगा। और कल भी किसी सब्सक्राइबर का अपडेट हुआ था, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि मेरा आज अपडेट हो गया। तो ऐसे रोज किसी ना किसी का अपडेट होता है। तो चलिए वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते, पहले उनकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो सेक्रेटरी साहब देखिए कह क्या रहे थे और कैंसिलेशन में है क्या। मेरे एक सब्सक्राइबर ने नंबर दिया था उनको, तो उन्होंने कहा था कि हाँ बात करनी है मुझे आधार वालों से तो कराना। तो चलिए शुरू सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग। जी जी, अरे अब ये बताइएगा क्या पूछना था इनको, वही तो हम बताएंगे। नहीं, हम बता देंगे जो रिक्वायरमेंट आधार कार्ड में है, बाकी आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से हो। जन्म प्रमाण पत्र का सिस्टम ये है, लिमिट क्रॉस एक आधार पे होता है, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ बदली जा रही है सेकेंड टाइम, तो वो लिमिट क्रॉस के दायरे में आ रहा है, तो उसको करना है अपडेट। अपडेट में SDM ऑर्डर के साथ वाला बर्थ चाहिए, और SDM ऑर्डर जो जारी होगा वो SDM ऑर्डर सर होता है जब किसी का लेट जो है जन्म प्रमाण पत्र बनता है। जी वो तो है, अभी ये तो होता है तो अगर किसी ने जन्म के साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो SDM ऑर्डर नहीं बनता है। अच्छा, तो ये हम बात अपनी इस वजह से रख रहे थे क्योंकि फाइनल जन्म प्रमाण पत्र से बनाना है कि SDM ऑर्डर से बनाना है। SDM ऑर्डर और जन्म प्रमाण पत्र दोनों चीजें, जन्म प्रमाण पत्र SDM ऑर्डर तब होता है जब किसी ने 15 साल तक अपना जन्म नहीं दर्ज कराया। बात ये है, आप देखिए देखिए आप एक बार पूरी बात सर सुन लीजिए। अपना जन्म पंजीकरण देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो आप अपनी बात सही कह रहे हैं लेकिन हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए ना, इस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं पूरी बात। ये ऊपर से ऐसा आदेश है आधार की तरफ से, अब इनका पहले से बना पड़ा है, कह रहे थे ये गोमती नगर में है हेड ऑफिस। जी आप गलत बता रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है, जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ ये मान्य नहीं। आप सुनिए पूरी बात, नहीं आप बात पूरी नहीं, आप पूरी बात खत्म नहीं की आपने बीच में पूरी बात। हाँ गलत मांग रहे हैं, गलत मांग रहा है, ये आधार वाला मांग रहा है, ये किसी के घर का काम नहीं है सर। आधार में भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, घर का काम ना हो सरकार का काम है, और सरकार जो नियम बनाए हैं उसी के हिसाब से काम, नियम उसने बनाए हैं जो वो आधार पे दूसरी बार बदलाव करने में RCCMS से जो बनी हो, बदलाव करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, SDM ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। अरे आप सर बात एक बार तो सुनिए हमारी, यहाँ पे हम आपको प्रूफ 100 दिखाएंगे जो वो लोग दिखा रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं, वो भेजते रहते हैं कि ये RCCMS पोर्टल से जो जारी करके लाओगे आदेश पांतरक, उसके साथ जो बर्थ बनेगा CRS पे एक साथ अपलोड होके, तो उसकी रिसिप्ट लेकर साथ आओगे तब हम मानेंगे कि बर्थ तुम्हारा सही तरीके से बना। उन लोगों ने अभी 15 मार्च से ये अपडेट किया, तो जिनका बर्थ बना नहीं है वो लोग अच्छे से पा सकते हैं, जिनका बना पड़ा है वो मिलने में आसानी नहीं है, ना ही मिल पाएगा, हम ये चीज तो सबको बता रहे हैं, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं वो तो यहाँ हो तो बस कहते हैं वही लगेगा, उसके अलावा लगेगा तो इंसान कहाँ जाए, उसको बर्थ जहाँ से जारी हो। अब ये सारा कुछ सुन लिए आप, अब इनका देखिए क्या है, हमारा ये सुन ही नहीं रहे थे, अपना ही बताने में बिजी थे, जबकि आधार ऑफिस में अगर आप आ रहे हैं तो पूछेंगे SDM ऑर्डर कैसे बनेगा, तो ये कहेंगे बर्थ पड़ा रहने दीजिए, बताइए ना आप तहसील से बनवाइए, या फिर कहेंगे इसको कैंसिल कर दीजिए तब बनवाइए, या फिर हम बताते हैं यहाँ पे अपडेट करा दीजिए। देखिए सिस्टम कितना खराब ये लोग कर दिए हैं, इनका क्या है सेक्रेटरी साहब का, इनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि ये तो बस बता रहे हैं कि बर्थ ही मेन है और उसमें लगता कुछ नहीं, लेकिन ये आप तो जानते हैं कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है, तो इनको बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि ये लोग अपने डिपार्टमेंट में कोई ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, कहीं किसी को कुछ बता ही नहीं रहे, जो भी खिचड़ी है सब एक ही जगह पका लिए जा रही है और फालतू में सबको परेशान किया जा रहा है। ये नहीं कि हाँ जो भी नियम लाओ उसकी ट्रेनिंग दो, यहाँ तक कि इन लोगों ने अपना जो रतन स्क्वायर है वहाँ भी लोगों को ये तक नहीं बताया है कि आप लोग ये उनसे पूछ लीजिए कि पहली बार जब
अपडेट कराए थे तो क्या लगा था, तो अगर वो कह दें हाँ एक बर्थ साइबर कैफे से लगा था या एक मार्कशीट ऐड कर ली थी या पासपोर्ट लग गया था, तो उनको कम से कम ये चीज़ बता दो, तो उनसे कह दो कैंसिलेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। उनसे कह देते हैं नहीं तुम सिर्फ SDM ऑर्डर लाओ बस हो जाएगा, तो आदमी ये भूल जाए। देखिए बर्थ होना चाहिए एक, आपने पहले अलग बर्थ लगा दिया, आप अलग फिर लगा रहे हैं, तो ये हुआ सरासर गलत। तो उनको सही तरीके से एक कैंसिलेशन देना है, ये जो नियम कह रहा है वही हुआ मार्कशीट में, ये सब डेट ऑफ बर्थ वैलिड प्रूफ है, वही हुआ पासपोर्ट में, ये भी एक वैलिड प्रूफ है। तो इसी वजह से ये एक प्रोफाइल पे अपडेट है, जब तक निरस्तीकरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर कभी भी राहत भरा मैसेज मुझे मिल रहा है कि हाँ कैंसिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं आपका हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। अगर टाइम हो तो वेट करिए, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट वाला देखिए। मैं चाहता हूँ कि अब कमेंट का रिप्लाई देना ही बंद कर दूँ, और अपना इंस्टा का लिंक हम दे रखे हैं, वहाँ से आप आइए और बात करिएगा, अगर तो हम आपसे बात करेंगे और चीज़ें बताएंगे और मदद भी करेंगे। हम शुरू से मदद कर रहे हैं, आंखें बंद करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें आप खुद ही गलत किए पड़े हो, उनके नियम हैं उनसे कहिए। तो इस हिसाब से सारा कुछ देखा करिए, और ऐसा कोई बंदा नहीं लिमिट क्रॉस वाला जिसने स्कैम ना करवाया हो। 90% आदमी है जिसने स्कैम करा लिया, 10% है जो जानते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा ऐसे जैसे लोग बताते हैं, और कुछ लोग यही भी जानते हैं कि ऑनलाइन किसी को पैसे देना ठीक नहीं जब हम उससे मिले नहीं, तो इस वजह से 10% उनमें आते हैं, बाकी 90% तो उनमें आते हैं मरता क्या ना करता वाली बात पे कि हाँ परेशान है तो कहीं देखा जाए। तो ऐसे ही करके आप लोग अपना देखिएगा, और जो ये लिमिट क्रॉस वाला सिस्टम है अगर कैंसिलेशन वगैरह हो जाए लड़ाई झगड़ा करके कहीं एप्लीकेशन देके तो कराइएगा, अन्यथा कैंसिलेशन ना हो तो फिर देखिएगा। इसी तरीके से देख तो रहे हैं जब यही तरीका है, और ये अभी सेक्रेटरी जो है इनसे बात हुई थी तो ये कह रहे थे आदेश वहाँ से मांगिए, शासनादेश लीजिए, शासनादेश जारी कराइए। तो शासनादेश क्या है, मतलब वहाँ से लिखित में लाइए कि हाँ ये एक चीज़ लगेगी, तो वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, ये भी सरकारी डिपार्टमेंट है, तो आपस में ये लोग बताएं ना ये सिस्टम हो रहा है, यहाँ पब्लिक शासनादेश लेकर के कहाँ कहाँ जाए, और आप लोगों को बता दे। एक दो लोग अगर एप्लीकेशन देंगे या कहीं नोटिस डालेंगे तो कोई सुनवाई तो नहीं, यहाँ पर आपकी सुनवाई तब होगी जब आप लोग एकजुट होकर कम से कम बहुत भीड़ लगा दें जहाँ पर, तब शायद कुछ यहाँ राहत मिले। लेकिन जब भी कभी फैसला होगा बता देंगे, क्योंकि वहाँ अपडेट कहेंगे इनका एक बर्थ पहले से लगा, दूसरा बर्थ लेकर बैठे हैं, वो जब तक कैंसिल नहीं कराएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे, वो बर्थ तो फेक है तो फेक बर्थ से क्यों करा लिए, ये भी तो वो लोग कह देंगे। यहाँ पे किसी तरीके से आप पार नहीं पा सकते, पार तभी पाएंगे जब आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा होगा और सारी चीज़ें यहाँ एक नंबर की होंगी, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं ना ही एप्लीकेशन देने की, सारा प्रोसेस करके देख लीजिए, ना हो आप रीजनल ऑफिस आइए अंदर से आपका काम कर देंगे। तो कैसे भी करके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, इस वजह से मैं जो बताऊं वो ध्यान रखिएगा। और अब की बार जो वीडियो आएगा ना उसमें वो 25 अप्रैल को जो अपडेट आया है उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।